अच्छा, अगर हमारे पास बाइनरी नंबर हो और उसका हमने ऑक्टल बनाना हो तो फिर कैसे निकालेंगे? ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल बनाना हो तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। हम इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बाइनरी से डेसिमल में जाएं और फिर डेसिमल से ऑक्टल में जाएं, वो काफी लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में जाते हैं। तो उसके लिए तीन का सेट बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले जो नंबर है उसका लिख लिया 110 10011। ठीक है, इसमें तीन का सेट बनाना होता है। ये तीन का एक सेट बन गया, ये तीन का दूसरा सेट बन गया, या के दो रह गए तो उसको जीरो लिख दिया साथ में। ठीक है, तीन तीन का सेट बना लिया। अब ये किस चीज की बाइनरी है? 010 ये 2 की बाइनरी है, 010 ये भी 2 की बाइनरी है, 011 ये 3 की बाइनरी है, तो 3 2 2 आ गया। तो इस तरह इसका 322 यानी कि 322 आ गया ऑक्टल सिस्टम में। ऑक्टल सिस्टम में क्या करते हैं, तीन तीन के सेट बना लेते हैं और आर ए के अगेंस्ट उसकी डायरेक्ट बाइनरी लिख देते हैं।